आने से शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में ये वर्धमान महान दिन विचरे हमारे। अभी अभी आप जो पाठ कर रहे थे इसमें 85 नंबर की जो गाथा है उसकी दूसरी पंक्ति में लिखा है, ये बताया जा रहा है कि जिस मोह को नाश करने की विधि तुम 80वीं गाथा में बता रहे हो और अरहंत को त्रिगुण पर्याय से जानने के लिए बता रहे हो, उस मोह का स्वरूप क्या है, तो तीन चीजें बताएं। एक दिन संकेत किया था मैंने, देखो यथार्थ जाने तत्व को, वस्तु का जो स्वरूप है, साथ या जो तत्वार्थ है उनके स्वरूप को सही नहीं जाने और अयथार्थ माने गलत जाने। एक तो इस मोह का चिन्ह ये अति रति विषयों के प्रति, और पांच इंद्रियों के विषयों के प्रति अत्यंत रति है, क्योंकि जो आदमी उन्हें वास्तविक सुख समझेगा कि असली सुख यही है, उसकी रति अति होगी ही। जो ये समझता है ज्ञानी धर्मात्मा इनमें ये सुख है नहीं, ये तो वास्तव में दुख ही है, तो उनकी नहीं होती है। इन दो पे कोई खास बात नहीं है, सब मानते हैं, सब जानते हैं कि पांच इंद्रियों के विषयों में रति नहीं होना चाहिए और तत्वार्थ का सिद्धांत सही होना चाहिए। लेकिन जो तीसरी चीज इसमें बताई है वो लोगों के ख्याल में बिल्कुल नहीं है, और करुणा भाव और हृदय में करुणा होना ये मिथ्यात्व के चिन्ह है। सारी दुनिया इसे धर्म कहती है, दया धर्म को मूल है और पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण, और गुजरात में जाओ तो जीव दया, जीव दया के नाम पर सैकड़ों संस्थाएं हैं। और ये कहते हैं करुणा भाव मोह का चिन्ह है, हमारे बड़े बड़े लोगों को ये गले नहीं उतरी बात। तो उन्होंने कहा कि इसका अर्थ ये नहीं है कि करुणा भाव, इसका अर्थ ये है कि करुणा का अभाव, करुणा नहीं होना, अब ये मोह का चिन्ह है। जिसकी श्रद्धा में ये बात बैठ गई कि करुणा दया नहीं होना ये मिथ्यात्व का चिन्ह है, वो तो दया को तो खूब अपनाएगा ना, अपनाएगा तो मिथ्यात्व अपनाएगा, तो कितनी बड़ी भूल है। दिक्कत ये है कि इतनी बड़ी भूल इस जगत के सामने रखो तो सब मिलके तुम्हें पागल घुस सकते थे। ऐसी स्थिति है, आदमी धर्म अपनाना कितना कठिन काम है ये समझ जाना, अपनाना उतना कठिन नहीं है, कहना तो उससे भी ज्यादा कठिन है। किसी को कोई तर्क युक्ति देने की जरूरत है तो कहे ये दया को, दया धर्म को मिथ्या तो कह रहे हैं, तो इतने इतने में ही काम हो जाएगा, वो तो इतना ही कहेंगे तो ही सारी समझ आपको मानने पीटने को तैयार हो जाएगी, उन्हें समझाने समझाने की जरूरत ही नहीं है। पर अपने जो 100% जिनकी श्रद्धा है वो श्रद्धा भी इनके है, उनके गले उतारना भी बहुत कठिन है। ये काम कितना कठिन है, मैं सिर्फ इसलिए एक गाथा बता रहा हूं, और ये किताब मैंने आपसे निकलवाई है, देखो ये जो क्या देश साधु की पूजन है, और उसमें मैंने जयमाला में देव और शास्त्र और गुरु तीनों की परिभाषाएं लिखी है, ये 56 में लिखी गई थी, 56 समझते हो, 56 में, और इसमें ये बात लिखी है
हे दीप राग सर्वज्ञ प्रभु देव, अरहंत भगवान के सच्चे देव के दो ही विशेषण दिए, कि अरहंत को हमें पहचानना है तो दो ही बातों से पहचानना है। कौन सी दो बातें? एक दीप राग का और एक सर्वज्ञ का। तो ये उनके नाम में ही शामिल कर दिए, हे वीतराग सर्वज्ञ प्रभु अब तक न तुमको पहचाना, उन्होंने अभी तक आज तक तुम्हें पहचाना नहीं, अथवा गलत पहचाना है। कि क्या पहचाना है? तो इसमें लिखा है कि अत ये में पढ़ रहे हैं प्रभुगण 84 के चक्कर खाना, इसीलिए मुझे 84 लाख योगियों में भटकना पड़ रहा है। सबसे पहली गलती क्या की? वीतरागता पहले है और सर्वज्ञता बाद में। तो वीतरागता के संबंध में सबसे पहली गलती की, करुणा निधि तुमको समझना, और भगवान भरोसे पड़ा रहा, भरपूर सुखी कर दोगे तुम यह सोचे सन्मुख। अभी देखो इस पूजा की जयमाल में तो मैंने पहली पूजा लिखी थी, ये बात प्रोजन साहब की पित्रासीवी गाथा की लिख दी, और इसको 56 से अब 16 आ गया है। कितने वर्ष? 60 वर्ष हो गए। 60 वर्ष में एक आदमी ने विरोध नहीं किया, और लाखों लोगों ने पूजन की होगी, पढ़ी होगी, देखी होगी। ये बात मैं आपको क्यों कहना चाहता हूँ कि आप सीधी कहो जिसमें लाठियां बरसे आप पर, और भक्ति के नाम पर, पूजा के नाम पर पद में लिख करके, और चाहे जो लिख दो सब चलेगा। अब मैं अपने आप निकाल निकाल के बता रहा हूं कि देखो ये लिखी है, अब विरोध होगा। सबसे पहली गलती क्या की? करुणा निधि तुमको समझना, तुम्हें मैंने दया सागर समझा, करुणा का निधि, ये सबसे पहली गलती थी। अब और लोगों को जाने दो, अपन तो मुमुक्षु हैं, और कई वर्षों से बड़ी श्रद्धा के साथ पूज्य गुरुदेव श्री को स्वीकारते हैं, उनकी वाणी पर सर्व भगवान की वाणी समझकर पढ़ते लिखते हैं। हम लोगों के भी दिल में क्या करुणा के बारे में, करुणा और मिथ्या तो एक ही है, ये गले में उतरी है, उतर जाएगी आसानी से। जिनके रंच मात्र भी करुणा हो तो वो भगवान नहीं क्या? और हम उनको उनको सबसे पहली क्वालिटी बता रहे कि तुम करना के निधि हो, है ना? अब हजारों उदाहरण दे दिए हमने, द्रौपदी को तीर बढ़ाया, सीता पति कमल लटायो, और उसका ये ठीक कर दिया, उसका ये ठीक कर दिया, उसका ये ठीक कर दिया, चारों तरफ किसी भी तीरथ की बात करते हैं। अभी किसी अच्छे से अच्छे मुमुक्षु से बात करो, बात कुछ भी हो, और हम लोग गए थे और हम ऐसा करके आए थे, अब हमारा तो काम तो हो गया। हमारा पड़ोसी गया था, उसने ऐसी बोलना बोली थी, और उसका काम तो हो गया। मेरे से सैकड़ों मोक्षों ने इस तरह की बातें की हैं कि उनके भगवान ने उनका ये काम कर दिया। अब भगवान ने किया कि नहीं किया तुम पंडित लोग जानो, लेकिन काम तो हो गया। माने वस्तु का स्वरूप समझना कितना कठिन काम है, ये मैं आपको बता रहा हूं। जब तक इसमें स्वाध्याय के वज्र का प्रहार नहीं पड़ेगा, ऐसी बातें खोल खोल के कोई बताने वाला नहीं मिलेगा हमें। ये हमारी बुद्धि में इतनी ताकत हो
ऐसी खोल खोल के देखें उसमें ये यहाँ लिखा है तो इसका क्या अर्थ है। और भगवान भरोसे पड़ा रहा, ये फ्रेज है हिंदी भाषा का। क्या कि मैंने इस काम को करने के लिए इसका जो सही उपाय था वो तो बिल्कुल नहीं किया, और मैं भगवान का नाम याद करता रहा। तो मैं समझता हूँ मैं धर्म कर रहा हूँ और भगवान ये काम कर देगा। उसको बोलते भगवान भरोसे पड़ा रहा। कोई एक विद्यार्थी बिल्कुल पढ़ाई करे नहीं और परीक्षा में जाके बैठे और देखे फर्स्ट डिवीजन में नंबर देने की कोशिश करे आप, ठीक है। हम तो भगवान भरोसे है, बोलते कि नहीं बोलते। इनका काम तो सब ऐसे भगवान भरोसे चलता है। ये जो फ्रेज है ये हिंदी भाषा में बहुत चलता है, आपके ऊपर गुजराती वगैरह में भी चलता होगा इस टाइप का कोई फ्रेज। इस रोज मैंने इस रोज प्रयोग किया क्या इस गलती को बताने के लिए कि करुणा निधि तुमको समझ नाथ, भगवान भरोसे पड़ा रहा और भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। जबकि तुम रंच मात्र भी सुखी किसी को आज तक किया नहीं और भविष्य में करोगे नहीं। ये दो झूठ महा झूठ। हाँ अभी भी छोड़ देंगे क्या? कितने क्लियर शब्दों में लिखा कि भरपूर सुखी कर दोगे तुम, ये सोच के आपके सामने खड़ा रहा हाथ जोड़ के। अब मैं तो भगवान आपके ही भरोसे हूँ। वो विशाखापत्तनम स्तोत्र था ना, तो अपना एक धनंजय नाम के कवि का बनाया हुआ है। लोग बड़े रस ले लेके कहानियां सुनाते हैं कि उसके लड़के को सांप ने काट खाया, तो उन्हें उसने बहुत खबर भेजी लेकिन पूजा कर रहे थे तो सुनी ही नहीं। फिर वो लड़के को अपने कंधे पे रख करके और वहीं ले आई मंदिर में और इनके ही चरणों में पटक दिया कि आप जो संभालो तुम देखो जो कुछ करो। फिर भी उनने उसकी तरफ देखा ही नहीं। अब हम गिर हुए कितने महान। मैं कह रहा हूँ कि मैंने नहीं देखा तो बेवकूफी करी, देखना चाहिए। तुम धनंजय कपूर को बेवकूफ कह रहे हो, यदि वो ऐसे थे तो जरूर बेवकूफ है। घबराना नहीं, वो मुनि नहीं थे, आचार्य नहीं थे, साधारण कवि थे। अरे उनके बच्चे को काट खाया है तो उन्हें देखना चाहिए, उसकी चिंता करना चाहिए, उसका जो प्रॉपर उपाय है वो करना चाहिए। नहीं नहीं करे अभी तो भगवान की भक्ति करते रहे और भगवान ने उतार दिया है ना। उनने भगवान का किया और भगवान ने उनका काम कर दिया। ये सफेद झूठ कितने वर्षों से चला रहा है। अब वो विशाप विशाप भार स्त्रोत्र इसीलिए पढ़ा जा रहा है इस गप्पे के कारण, नहीं तो उसमें क्या है। उसमें एक पंक्ति में नहीं लिखा है कि तुम हमारे बेटे का जहर उतार दो, लिखा ही नहीं है। धनंजय कभी लिखा ही नहीं सकता। वो तो ये लिखते हैं कि हे भगवान तुम्हारी वाणी के मंत्रों में ऐसी ताकत है कि अनादिकालीन मिथ्यात्व का जहर भी उतर जाता है। क्यों ऐसा लिखा उन्होंने? हमारे पंडितों ने क्या जोड़ दिया राजे कि अनादिकालीन मिथ्यात्व का जहर उतर जाता है, तो इस सांप के जहर में क्या दम है, ये तो उतर ही जाएगा। ऐसा है जिससे मिथ्यात्व का जहर उतरेगा उससे सांप का भी उतरेगा क्या? ऐसा है ही नहीं। जो कैंसर की दवाई है उसे जुकाम ठीक नहीं होगा, और साहब आए कैंसर की दवाई को जुकाम के लिए खाने लग जाओ कि नहीं होगा ठीक उससे जुकाम हो, तो वो दवाई कैंसर की नहीं है। हर एक के साथ एक एक बात जोड़ रखी है।
कई हमारे भगवान की स्तुतियां कवियों ने जो की हैं, कहीं वे ताले तोड़ रही हैं, कहीं जहर उतारने का काम कर रही हैं। ये ताले तोड़ने का काम तो चोरों का है, उसको ले आओ, अच्छा वो बहुत जल्दी तोड़ देगा। ऐसा हाथ का झटका लगाते हैं वे लोग, एक मिनट में ताला को तोड़ देते हैं। तरकीब जानते हैं भगवान, भगवान इन कामों के लिए है। भगवान ये कुछ करेंगे, ये भगवान कुछ करते हैं, जो भगवान कुछ नहीं करते। अरे भगवान की जाने दो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है। सारी जिंदगी गुरुदेव ने ये पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, बोलो। और हमारी ये मान्यताएं उतनी ही मजबूती से वहीं की वहीं जमी हुई है कि नहीं, ये बात कहना बहुत कठिन है। जान की हाथ की हथेली पर लेकर के ये बातें कही कि यदि खतरनाक आदमी ज्यादा जिंदा रहा तो बहुत लोगों को बिगाड़ देगा, इसे न रहे बांस में बजे बांसुरी। क्यों? ये मूलाचार्य की कथा है। और कम से कम 56 में मेरे ख्याल में आ रही थी, 56-57 में, जब वो नया पैसा चला था ना। नया पैसा जानते हैं, पहले 1 रुपये के 64 पैसे होते थे, सुना? फिर 1 अप्रैल 1957 को 1 रुपये के 100 पैसे घोषित हुए थे, और उसका एक नया सिक्का चला था। जो वजनदार होता था ना पहले, उसे ज्यादा तांबा लगता था, तो उसके अंदर बीच में एक छेद कर दिया था जिसमें कम तांबा लगे, तब के लिए लिखी गई थी। मेरे कहने का हम ध्यान दें तो ये तत्व ज्ञान सब जगह फैला पड़ा है। बहुत लोगों ने इस देवशाग्नि पूजन को किया होगा, और उनमें से आधे से ज्यादा ऐसे होंगे कि जिनने देवशाग्नि के राग से नहीं किया होगा, शायद मेरे राग से किया होगा। अपने दादा की लिखी हुई है, अपने तो वही करेंगे। क्यों? लेकिन क्या लिखा ये तो देखो। मैं पूछता हूँ, इसमें कौन सा शब्द ऐसा जो तुम्हारी समझ में नहीं आता है, नहीं आए, आ सकता है? इसमें किसी पंडित की जरूरत है यदि वो तुम्हें अर्थ बताए? जो पंक्ति बोलता हूँ मैं, करुणा निधि तुमको समझ नाथ, भगवान भरोसे पड़ा रहा, भरपूर सुखी तुम कर दोगे तुम, ये सोचे सन्मुख करा रहा। कोई शब्द ऐसा है जो आपकी समझ में नहीं आता? ये पहले नंबर की गलती है। आज तक मैंने पहले नंबर की गलती एक की है, फिर दूसरे नंबर की कि तुम्हारे ज्ञान में जो कुछ झलका था सारा लोकालोक, क्योंकि तुम सर्वज्ञ थे और तुम्हारी दिव्य ध्वनि पर आया, इसमें लिखा है वो कि जो तुमने बताया, तुम भीत राग हो लीन स्वयं में, कभी न मैंने यह जाना। अरे मुझे सोचना चाहिए थी कि तुम क्या करोगे, तुम तो भीत रागी हो, स्वयं में लीन हो, तुम कभी किसी का कुछ नहीं करते, ये तत्व ज्ञान मुझे जानना चाहिए था, मैंने ये नहीं जाना, और तुम्हें करुणा निधि समझकर तुम्हारे दरवाजे पर हाथ जोड़े खड़ा रहा, तुम्हारे दरवाजे पर हाथ जोड़े खड़ा रहा, ये गलती है। ऐसा वर्णन चल रहा है ये भगवान की भक्ति का, तुम भीत राग हो लीन स्वयं में, कभी न मैंने यह जाना, और तुम हो निरीह जग से कृत कृत, इतना ना मैंने पहचाना। एक तो तुम्हें दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, बिल्कुल तुम्हारी इच्छा नहीं है, जगत से कोई तुम्हारा जुड़ान नहीं है, और दूसरे कृत कृत हो,
कृतकृत जानते हो किसे कहते हैं? भगवान को कृत किच्चा लिखा है मोहम्मद साहब ने, अठ गुणा कृत किच्चा लो यज्ञ भाषणो सिद्ध आता कहने सिद्ध भगवान के लिए कृत किच्चा कृत कृत ये है मूल शब्द पहला कृत क्री और ता और दूसरा क्री और ता में या कृत कृत ये शब्द है मूल जो बिगड़ कर कृत कृत हो जाता है यानी कृत माने जो हमारे करने लायक हो उसे बोलते हैं कृत और जो हमारे करने लायक नहीं हो उसे बोलते हैं अकृत ये करने लायक नहीं हो तो कहते हैं ये अकृत है कि इनमें ऐसे ऐसे अकृत किए क्या भगवान ही माने के अकृत माने पाप अकृत माने नहीं करने योग्य काम तो कृत्य कृत कि जिन्होंने करने योग्य सब काम कर लिए क्या बोलते हो उन्हें कृत्य कृत्य ये सब काम कर लिए तो तुम कृत कृत हो ऐसा शास्त्रों में लिखा था मैं उसका अर्थ ही नहीं समझा मैं कह रहा नहीं नहीं अभी एक काम बाकी है तू तो हमको कृत कृत कहता था एक एक काम बाकी रह गया ना क्या मेरा कल्याण करना अरे मेरा कल्याण करना नहीं भगवान का ठीक है देख लूंगा तो फिर जितनी लंबी चौड़ी लिस्ट बताएगा मेरे लड़के की शादी कराना लड़की का धर्म कराना पैसा कमाना ये करना ये सब एक केस फंस गया है क्या है आए थे उन्होंने हमें पकड़ा गया नया नमूना मेरा फेल हो गया क्या क्या हो गया है ये एक बहुत काम है भगवान भगवान इतने काम है हमारे पास भगवान के लिए सारे भगवान मिलके हमारे एक आदमी के काम नहीं निपट सकते हम बराबर बताते जाएंगे फिर तो हम एक गिलास पानी भी अपने हाथ से उठा के नहीं पिएंगे भगवान है क्यों तो हमें क्या जरूरत है एक गिलास में पानी पीने की आई भगवान दे हे राम तुम हो निधि जग से कृत कृत इतना ना मैंने पहचाना मैं इतनी बात भी नहीं जान पाया इतना से वर्णन का है बीतरागता का फिर प्रभु बीतराग की वाणी में जैसा जो तत्व दिखाया है जो होना है सो निश्चित है केवल ज्ञानी ने कहा ये केवल ज्ञान की बात आ गई ये सर्वज्ञता की बात आ गई दो ही बातों का बताया सर्वज्ञता की बात में इसके लिए ही मैंने ये निकाला है आज सिर्फ इतना समझाना है कितना कि सर्वज्ञ की ज्ञान में जो झलका है और उनकी वाणी में जो आया है वो 100% सच्चा है कि तुम्हारी वाणी में जैसा जो तत्व दिखाया है तो क्या दिखाया जो होना है सो निश्चित है केवल ज्ञानी ने दिखाया है एक भाई ने मेरे को कहा था कि ये पंक्ति हटा दो तो हम अपनी जिनवाणी में भी तुम्हारी पूजन लिखवा रही है हमें लोग कर रहे हटा ना आप लोगों की कैसा लाए फिर इसमें बचेगा क्या ये बात आप तक पहुंचाने के लिए तो पूजा लिखी हमें पूजा से क्या लेना देना था पहले मैंने एक जयमाला लिखी थी देवसास गुरु स्तुति के नाम से क्या लेकिन देवसास गुरु की स्तुति को कौन पढ़ता है छपा ही नहीं स्थिति को तो बाद में अष्टक लिख दिए तो धड़ाधड़ चलने के लिए अष्टक बाद में लिखते जोड़ दिए
क्योंकि मेरे चित्त में एक विकल्प खड़ा हुआ था। जब बीबल जी की देवसाथ गुरु की पूजन आई थी, कभी एक दो वर्ष से ज्यादा नहीं हुए थे, पर हमारे यहाँ सब जगह बहुत की जाती थी। हम अशोकनगर में रोज आना उसे करते थे, गुना में अशोकनगर में उधरी जी में रहते थे, बहुत अच्छी तरह से गा गा करके, तो उसमें बहुत ही अच्छी लगती थी। लेकिन एक बात मेरे को खटकती थी, क्या कि देवसाथ गुरु की पूजन तो इसकी जयमाला में देवसाथ गुरु का स्वरूप बताना चाहिए, क्या क्योंकि इसके बारे में बहुत घना अंधकार है जनता में। सच्चे देव का स्वरूप, शास्त्र का स्वरूप और गुरु का स्वरूप जानते नहीं है लोग। पूजा करेंगे तो उसमें जानेंगे, तो वो बताना चाहिए था। इन्हें बारह भावना तो अलग से ही लिखी जा सकती थी। फिर देवसाथ गुरु के लिए कोई जगह नहीं बची, क्योंकि 12 संतोष में निकल गए, 12 भावना में समझ जाए ना। और फिर एक छंद में उन्हें देवसाथ गुरु निपटा दिए। देखना जयमाला उसमें देखना, तो मैं कहता नहीं नहीं पूरा लिखना चाहिए था, पूरी जयमाल देवसाथ गुरु के स्वरूप पर ही समर्पित होनी चाहिए। इस विकल्प के कारण मैंने ये देवसाथ गुरु स्तुति लिखी और फिर ऐसे पूजन का रूप दे दिया अष्टक लिख करके। ये चित्र में विकल्प था उस वक्त का। तो इसमें देवसाथ गुरु के स्वरूप में किस चीज पर बल देना चाहिए, यदि हम ये कहें कि उनकी एक क्वालिटी बताओ, फिर बस हमारा सच्चा देव है उसकी एक क्वालिटी बताओ, तो सिर्फ वीतरागी सर्वज्ञ, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता। और ये कोई मेरी या किसी की निकाली हुई चीज नहीं है, तो रतन के साथ प्रचार में सच्चे देव का स्वरूप पढ़ो। आप तेने उच्छिन्न जोसेने सर्वज्ञ नागिनेशिन भवितव्यम्य योगेने, है ना। देवसाथ गुरु इनकी सच्ची बात, देव का स्वरूप में वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी, एक हितोपदेशी और बढ़ गया। मोक्ष मार्ग स्नेतारम भेतारम कर्मभूताम, इसमें भी वही सर्वज्ञता और वो वीतरागता, यानी एक कदम कदम पर उपस्थित है और सर्वमान्य है कि किसी को भी ये अमान्य नहीं है। उनने द्रौपदी को चीर बढ़ाया था कि नहीं बढ़ाया था, इसमें 1000 प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन वे सर्वज्ञ थे कि नहीं थे, इनमें कोई प्रश्न खड़ा नहीं होता। वे वीतरागी थे कि नहीं थे, इसमें कोई प्रश्न खड़ा नहीं होता। क्यों नहीं, हमें वीतरागी सर्वज्ञ का स्वरूप स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है। इस पर 10-20 पेज नहीं लिखे जा सकते हैं, इस पर लिखने की जरूरत नहीं है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। समझाना तो क्या है, सब समझते हैं, सब उनकी तरफ ध्यान दिलाना है। यदि मैं अपने भाषण में तर्कोक्तियां देकर ये बात आपको समझाऊं तो 1 घंटे का भाषण हो जाएगा और आपके गले नहीं उतरेगी। और मैं ये पंक्ति निकाल के बता दी जो आप रोजाना बोलते हैं और उसमें वो ये लिखा है, तुम्हारे साथ में लिखा है, 1 मिनट गली में उतरती है। हिंदुस्तान का मानस ऐसा है कि तुम 1 घंटा बोलो, चाहे जितना बोलो कुछ नहीं, और तुम एक छंद दोहा किसी का ही हो पर वो बोल दो तो सबको स्वीकार हो जाता है। वही मन बे नर मर गए जे नर मांगन जाई, सचिवान शास्त्र में लिखी है। कौन से शास्त्र में लिखी, कोई भी तुलसी का दोहा बोल दो, कोई बोल दो,
बस ये हमारे दिमाग में घुसा है कि पद्म होने चाहिए वो, और बिल्कुल वो प्रमाणिक है और गद्य प्रमाणिक नहीं था। ऐसे पुराने जमाने में सब लेखक लोग गद्य पद्य में ही लिखते थे, अब वो लोग सब याद कर लेते हैं। गद्य में हम कितने ही समझाए उन्हें गद्य नहीं पढ़ दिए। अगर हमारे दिमाग में ये घुस गया कि पूजन का अर्थ थोड़ी समझा जाता है, पूजा तो की जाती है, इस थाली का माल उस थाली में ट्रांसफर करने का नाम पूजन है। जैसे मैंने लिखी ना कि इस देह को छोड़कर अगले देह के ग्रहण करना, माने देह का ट्रांसफर है ना, आत्मा का थोड़ी है, आत्मा तो कोई का कोई है। ट्रांसफर किसका है? आत्मा का या देह का? देह का ट्रांसफर है तो सिर्फ देह के ट्रांसफर का नाम मरण है। अब बस हम उस ट्रांसफर को सहज भाव से स्वीकार कर ले, इतनी सी बात है, उसका नाम समाधि मरण है। सहज भाव से स्वीकृति हमें हो जाए बस, बस इस थाली का माल इस थाली में आ जाना, उसका नाम पूजन है। अपनी अर्जी पेश कर रहे हैं, जैसे अदालत में हम जाएं और जज साहब से हम कोई शिकायत करें तो हम बहुत सोच समझ के बोलते हैं ना, कहीं वहां जाकर ये कहेंगे जज साहब मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने पड़ोसी की हत्या कर दी है, अब मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझे बता लेना, अब आप जो भी जैसा कहो अब मेरे से हो तो गई है, क्या खुदाई करो ना, कोई करेगा? बिल्कुल हो गई हो तो भी नहीं करेंगे। क्यों? कि वो जज साहब बताएंगे नहीं, फांसी पे चढ़ा देंगे। क्यों? इकबालिया बयान है, भगवान के सामने सब इकबालिया बयान दिया करते हो तुम रोजीना। इंसाफों ने झूठ है जो चोरी पर बनता सौंद्र गोरी, आरंभ परिग्रह भी पापे जूया वेदे कीने। मैंने कहा तो छोड़ दू, 75 वर्ष के हो गए, क्या 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 छोड़ दें? और औरतों से आके लड़ाना, ये और क्या 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 रोक है? आप कब देखो मैंने क्या किया? हमें दीजिए, मैं तो तुम बोल रहे थे भगवान के सामने, मैंने सुना था, क्या बोल रहे थे? पर बनिता सो दुर्गे जोरी, क्या अर्थ होता है इसका? सुरेश क्या अर्थ होता है? पर बनिता का अर्थ तो समझते ही हो ना, दूसरी की औरत से, और दीर्घ माने आंख और जोरी माने जोड़ी। तो ये इकबालिया बयान नहीं है, फिर इसकी सजा मिलनी चाहिए ना। लेकिन हम ऐसा महसूस ही नहीं करते हैं कि हमने कुछ किया है, हमने कुछ स्वीकार किया है भगवान भगवान के सामने हैं। मैंने हिंसा की, मैंने झूठ बोला, मैंने चोरी की, मैंने दूसरे मुखी माताओं बने से आंखें लड़ाई और बहुत परिग्रह इकट्ठा किया, ऐसा बोल रहे भगवान के सामने। ये जो कविता में लिखने से एक ये फायदा हुआ कि वो सहज भाव से स्वीकृत हो गया, एक सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि वो तो कविता में बोलने से ही धर्म हो गया, उसे अर्थ समझने की जरूरत नहीं है। गद्य में कोई आदमी ये नहीं सोचता कि जो ये पंक्ति मैंने पढ़ी है इसका अर्थ समझने की जरूरत नहीं है, ये गद्य की ये विशेषता। जो उसमें लिखा है ना कि मैंने ऐसा किया मैंने ऐसा किया, तो आप मानेंगे? सब मशीनरी जैसा काम हो गया,
वहां पर बंबई में खासकर श्रीमद रायचंद के भगत लोग है ना, तो श्रीमद रायचंद ने वो बनाए हुए हैं कुछ प्रतिक्रमण, तो उनको कोई छोटा बड़ा वो सब बोलते हैं कार्यक्रम के अंत में, जब उनके गणेश भाई बोलते हैं ना ऐसे में बोलते हैं। तो एक गणेश भाई मोदी हैं जो 34 साल से वो चलाते हैं अध्यात्म शक्ति सर्किल, जिसमें हर साल मैं जाता हूँ व्याख्यान करने, 8 दिन व्याख्यान करता हूँ पीताम्बर परिसर में, तब और वो अंत में एक बोल बोलते हैं, मैंने उन्हें टोका नहीं कर दिया, लेकिन बोलते हैं वे कहते हूँ पापी छू हूँ, ऐसा हूँ मैं नीच हूँ, मैं पापी हूँ, मैंने ये किया मैंने ये किया मैंने ये किया, ऐसा बोलते हैं। मुझे तो वो अच्छा नहीं लगता, आप तो उसे प्रतिक्रमण प्रतिक्रमण कहते हो। यह हमारा अनेक अंक 4-5 साल का था, इतनी पुरानी बात बता, मैं तब से जाता हूँ, वहां जाते जाते मुझे 34 साल हो गए। तो मेरे से बोला दादा दादा ये क्या है, ये दिनेश भाई पापी है, तो बोले क्यों, तुझे कह रहा था ना स्पीकर पे सबके सामने कि हूं पापी छू बोलते, फीलिंग ही नहीं कहता, मेरे कहने का मतलब सब धर्म निर्जीव हो गया, इन्हें एकदम नहीं, ये एकदम वैसे की वैसी नकल। मैं ये कहता हूं तुम्हें भगवान की भक्ति करनी हो तो और सब कवियों की भक्तियां छोड़ दो, तो अपने हाथ से एक पेन उठाओ कागज उठाओ, जो टूटी फूटी गलती सलती जो तुम्हारे मन में आए वो लिखते जाओ, वहां ज्यादा सोचा सोची नहीं करो, जो तुम्हारे मन में आए वो लिखते जाओ और फिर वो निकाल के बाद में पढ़ो कि मैंने भगवान से ये मांगा था, तुम्हें खुद हंसी आएगी, अपनी मूर्खता ख्याल में आएगी। पान की दुकान पर जाओ शराब की बोतल मांगो, ऐसा होता है कि तुम किसके सामने बोल रहे हो और क्या क्या मांग रहे हो तुम्हें पता ही नहीं, जब हम ये बात कहते हैं तो कह देते हो कि हमारा थोड़ी है, ये तो भूदर दास ने लिखी है, हम भूदर दास से जाने, बड़ा नाम सामने आ जाता है ना तो हमें भी डर लगने लगता है, कभी ये दृश्य समझ के बोलो क्यों ये करके, लेकिन ये सब क्या है। कविता वाले ये जानने वाले सब जानते हैं ये सब बिल्कुल झूठे हैं, ये तो जोड़ ही दिया जाता है, हिंदू जोड़ देंगे कि हमारे कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को चीर बढ़ाया था, सीता का कमल रचाया था, जैनी बोल देंगे महावीर ने घटाया था बड़ा था, बौद्ध बोल देंगे हमने बढ़ाया था घटाया था, सब ऐसे देख लेना, एक बेचारी द्रौपदी का चीर इतने भगवान बनाने वाले, और जिसका अग्नि का कुंड जल वो हो गया था अब उसमें कितने कर्ता बन गए, सबके भगवान हमारा भगवान, हमारा भगवान पीछे नहीं रहेंगे, वे भी हाथ लगा देंगे, लगा देते पूजा में हाथ, क्या है सोचो तो गंभीरता से है? और करुणा भाव, मैंने इसलिए तुमसे पाठ करवाया था कि तुम सोचोगे कुछ, फिर मैंने अंत में इसमें ध्यान दिलाओ, देखो क्या है चंद्र बोलो कौन सा 25वां, मोह का चिन्ह है, समझे ना, अरहंत भगवान को हमें जानना है क्योंकि वह शर्त है, क्या होगा उसके भैया, मोह का नाश हो जाएगा, धोखे में मत रहना, नहीं होगा, पुण्य का बंद होगा,
कार्य समझ में आया नहीं। फिर कहता हूं अनंत भगवान को द्रवगुण पर्याय से जानोगे तो पुण्य का बना होगा। तभी आप लोग तो कैसा पढ़ा रहे, क्या पढ़ो, क्या पढ़ा, क्या पढ़ा रहे बोलो। को देवगुण पर्याय से जानते हैं वे आत्मा को जानते हैं, इतनी बात खत्म हो गई। क्यों बढ़ गया आज फिर दूसरी बात कहनी है तो यहां से बोलो, जो जानते हैं आत्मा देव मोह उनका नाश। ऐसी है ना ऊपर की दो दो बातें हैं कि जो अनंत को देवगुण पर्याय से जानेंगे वे अपने आत्मा को जान लेंगे, क्योंकि जैसा भगवान अनंत का आत्मा है वैसे ही हमारा है। भगवान अनंत का आत्मा करुणा निधि है तो हम भी करुणा निधि होंगे। भगवान की आत्मा ने द्रौपदी का चीर बढ़ाया था भगवान ने, तो हमें भी किसी द्रौपदी का चीर बढ़ाना पड़ेगा। क्यों ये जो जो, जो अनंत को जानेगा वो ही हम अपने आत्मा को जानेगा, क्योंकि आत्मा अरहंत भगवान के आत्मा जैसा ही है। हमारा आत्मा अरहंत भगवान के आत्मा जैसा है, यही बात है और कुछ। अरहंत आत्मा जैसा है यही यही तो जानोगे ना, तो फिर बस अभी तुम अरहंत की गुण मान रहे हो तो ठोके जा रहे कुछ भी बढ़िया, जो भी है दुनिया में अच्छा गुण वो हमारे भगवान में है, तो बेदेश अभिमान हम में। अब ऐसा जानोगे तो क्या करोगे, हमारे पापों का नाश भगवान करेगा, हमारे पापों को छोड़ेंगे भगवान। क्या हमें करना पड़ेगा, ऐसा नहीं लगाओ कि भगवान ने अपने पापों का नाश किया तो इस पाप के नाश करने में एक्सपर्ट हैं, इसलिए हमारे भी पाप का नाश वो करें, ऐसा नहीं लगाओ। कैसा लगाओ, भगवान ने अपने पापों का नाश किया तो हम भी उन्हीं जैसे हैं, तो हमें अपने पापों का नाश करना चाहिए। समझे ना, ऐसा होना चाहिए ना। जो अरहंत जैसे हैं हम, देवगुण प्रजा तीनों से हम अरहंत जैसे हैं, तो हमें ऐसा करना चाहिए। कहने नहीं, हम प्रजा से तो अंतर है ना, कोई अंतर नहीं है, हमारे तो है अंतर है, बहुत अंतर है। तो कहते हैं इसमें दिखाना कि अंतर नहीं है, तो तुम अंतर है तो मिटा दो ना अंतर, यही तो कह रहे हैं। मेरे तेरे अंतर को अविलंब निरंतर से भर दो। निरंतर माने क्या होता भैया, बता सोचो सब। निरंतर माने क्या होता है, लगातार कंटिन्यूटी, क्यों क्या करते, तुमसे पूछा नहीं है। देखो निरंतर से भर दो, क्या अंतर नहीं रहे तुम में और मुझ में, कोई अंतर नहीं रहे, ऐसा ऐसा कर दो निरंतर से, निरंतर जल्दी से जल्दी भर दो, ऐसा नहीं एक काम कर दो। निरंतरता का कंटिन्यूटी नहीं है दुनिया में, तो अर्थ कंटिन्यूटी होता है ना, ये काम मैंने 10 साल से निरंतर किया है, हैं हमें ऐसा नहीं है। कहते हैं कि जो तुम में और मेरे में अंतर है, अब ऐसा करो ऐसा हो कि तुम और मुझ में अंतर नहीं रहे। क्यों, तो क्या क्या करना पड़ेगा बोलो, क्या करना पड़ेगा, मत बोलना। अरे क्या बोलना है, क्या कुछ नहीं करना है, बस वो जो मुद्दे हैं जिन चीजों में हमने और उनमें अंतर नहीं, बस उनकी बात करो। देखो हम में और तुम में बहुत अंतर है,
कि तुम इतने वर्ष के हो, हम इतने वर्ष के हो, तुम जैनी हो, हम अजैनी है, तुम काले गोरे हो, मतलब आप समझ जो अंतर है ना, ये सब अब इनको निरंतर से भरो। तो क्या करें कि हम काले हैं तो गोरा लपेट लें, गोरे हैं तो काला चोला लपेट लें अपने देश में, क्या करें, कैसे भरे? कि हम भी मनुष्य हैं और तुम भी मनुष्य हो, हैं? हम भी सैनी पंचेंद्री हैं और तुम भी शनि पंचेंद्री हो, हम भी जीव हैं, तुम भी जीव हो, ये है जो बिल्कुल जो समानता वाले पॉइंट हैं, उनको मुख्य कर दो और जो अंतर वाले पॉइंट हैं, उन्हें गौण कर दो। इसका नाम है निरंतर से भरना। निरंतर माने जिन बातों में अंतर नहीं है उन बातों को मुख्य कर दो। दादा समझ में आए कि नहीं? ठीक, आपको लगती बात करनी, कुछ नहीं करना, आराम से बात है, उन बातों को उभारो। श्वेतांबरों से एकता चाहिए हो, झगड़ा नहीं हो, तो बोलो तुम जैन हम जैन, तुम महावीर के भगत हम महावीर के भगत, आप समझे ना, तुम अहिंसा है, तुम तो नहीं रहते ना, नहीं तुम तो कपड़ा पहने हो, माने ऐसे मुद्दे हो, झगड़ा करना हो तो मुद्दे बताओ। वाह, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोलर मंजी ने पांचवें अध्याय में रखा है उन्हें, ये निकाल के क्या कहना चाहते हैं? ये वेदक गीत मिथ्या दृष्टि है, बात सच्ची है, लेकिन मैं ये कहता हूं किन मुद्दों को उभारना और किन मुद्दों को नहीं उभारना, ये तो हमारी बात है ना, तो क्या इष्ट है हमें? हे भगवान, ये हमें और तुम में जो अंतर है कि तुम भगवान हो हम भगवान नहीं है, इसे निरंतर मैंने जल्दी भरना है, तो वो चीजें याद करो कि जिन चीजों में हमें और तुम में अनंत गुण, तो हमें एक कम नहीं है, हमें भी अनंत गुण है, कि पर्याय में फर्क है, थोड़ा कौन ही तरफ अपन पर्याय दृष्टि थोड़ी, अपन तो त्रिकालीन ध्रुव वाले हैं जिसमें कोई अंतर नहीं है, क्यों हम तो उसको जाने, तुम का पर्याय को मुख्य कर रहे हो क्या? जो जानते अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से, वे जानते निज आत्मा हो, इसलिए ये मोह क्या है इसकी 25 परिभाषाएं आएंगी, अभी तुम दो चार जन्म में जाओगे सर। मेरी तो बहुत प्रसिद्ध परिभाषा ये है कि अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को छोड़कर दुनिया में जितने भी द्रव्यगुण पर्याय हैं, पदार्थ हैं, उन सब में अपनापन का नाम है दीर्घ मोह, दर्शन में ये परिभाषा कहीं नहीं मिलेगी, बच्चों ने रटी होगी ये नहीं लिखी होगी, उल्टी मान्यता को मिथ्या तो कहते हैं, तो उल्टी मान्यता किसे कहते हैं? देखो उल्टी मान्यता नहीं समझते हो, ये गिलाफ सीधी है और ये उल्टी होगी, इससे मिथ्या तो कैसे हो जाएगा? अरे भाई राग धर्म है ऐसा नाम मिथ्या तो है, राग धर्म नहीं है ये सम्यक्त हो गया, अब आप हो गए ना, राग धर्म ये भी सम्यक्त है ना, एक दूसरे का करता नहीं है ये सम्यक्त है, करता है ये मिथ्या हो गया ना, कितने कहो ये मैं नहीं हूँ ये मेरा नहीं है ये सम्यक्त है, ये मैं हूँ ये मेरा है, मिथ्या तन उपजत अपनी उपज जान, तन दशत आपको नाशवान गुरुदेव सुना रहते ना, मिथ्या कर मैं उत्पन्न हुआ मैं जन्मा मैं तो जन्मा ही नहीं, मेरा तो बहुत ध्यान केंद्रित हुआ है इस बात पे, तो यही कहता हूं कि क्या है ये मरण है क्या? अभी मैं यहां से उठ के वहां चला गया,
यहाँ से अपने घर पे तक जाऊंगा तो कम से कम 15 मिनट तो लगेंगे, 10 मिनट तो लगेंगे, 2 मिनट तो लगेंगे, 1 मिनट तो लगेंगे, लेकिन मैं अगले भव में जाऊंगा वहां 2 समय भी नहीं लगेंगे। यदि ऊपर ही सीधे ही गया तो 1 समय में पहुंच जाऊंगा, 2 समय में तो वहां हाजिरी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? बोलो, मतलब ये कुछ नहीं है, बस देह का ट्रांसफर है। अब इसके लिए रो रहे तुम देह के ट्रांसफर के लिए, क्यों? कि ये सड़ी गली देह के बदले में बिल्कुल ताजी हरी भरी ये देह मिल रही है, फिर भी रो रहना चाहते हैं। हमें ब्राह्मण घी दे नर्राज, हमारे मंदिर का नाता है, जो ब्राह्मण को घी पिलाओ तो चिल्लाता हाय राम मार डाला, हाय राम मार डाला। क्या ये पक्की बात है ना, नक्की बात है ना, कि तुझे ये छीन रहे हैं और दूसरे भिखारी को पकड़ के लाया, हाथी बैठाल के आ गया। राजा बनाना था तो भिखारी को हाथी बैठाल के लाया, तो उससे उसके सारे कपड़े उतरवा करके और सब ये राज की वस्त्र पहना रहे, चिल्ला रहा है हाय राम, और संभाल के देखना, क्यों लौट के आऊंगा, लौट के आने के लिए जा रहा है, क्यों लौट के आएगा, क्या करना है? यानी इतना सस्ता सौदा, इसलिए इतने हाय तो मैं आप सच बोलता हूं आप सबसे, सोचो जरा, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप मरेंगे तो जो आपके पास संयोग है अगले भव में इससे बुरे संयोग होंगे? बोलो सिद्धार्थ जी, बोलो, नहीं लगता ना? सबको पक्का भरोसा है और जिनको नहीं होए तो मैं उन्हें गारंटी देता हूं कि उनको इससे अच्छे संयोग गारंटी से मिलने वाले हैं। कल एक महाराज आए थे मेरे पास, वो भी ऐसे ही कहते थे, अपने रात में आए थे ना, क्या हाँ मतलब दसवीं प्रतिमाधारी हनुमत जाग, दसवीं प्रतिमाधारी आए थे, एक 85 बरस के बुजुर्ग, वो भी कह रहे थे मेरे, वो भी यही मानते हैं, सब कुछ सब देने को गारंटी से देव गति में जाना है, उनने यही कही, मैं ये कहता हूं तुम देना कमर सब में जाने वाले, क्यों? इस सबसे बढ़िया से बढ़िया संयोग हरे को मिलने वाले हैं, फिर क्यों रोना मेरे को बताओ, काय के लिए रोना, कैसे किसके लिए रोना? यदि हम यही स्वरूप बता सर देखना का पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इसके अलावा और कुछ है ही नहीं चल देखना, जो तुम इतना हाय तोबा मचा रखा है तो एक है क्या है? कोई आया मेरे लिए बढ़िया नए नए कपड़े सिला के लाया, टोपियों को भी बढ़िया लाया, कुर्ता लाया, मैं अरे दादाजी से बता लो बिता लो पहन लो, तो तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग क्या करते, क्या करते हैं? ये तुम्हारा कुर्ता यहाँ से फट गया है, हमको अच्छा नहीं लगता है कि तुम्हें, हमें दिखता नहीं, हमें दिखता नहीं, पीछे फटा है ना, आगे से तो नहीं फटा, हमारी इज्जत का सवाल है, बदल दो। ये टूटा फूटा सड़ा गला इस शरीर को फिर फेंकने लगा, फिर फेंकने लगा, फिर और दो फेंकने लगा लो, क्यों? फिर ऑपरेशन करा लो, फिर फेंकने लगा लो, क्या रखा है फेंकने वालों से? दांत टूट गए तो दांत बदल दिए, आंख टूट गई तो आंख बदल दी, हार गिर हार बदल दिया, ये बदल कर सेकंड हैंड माल कब तक चलाओगे? बढ़िया फ्रेश माल एकदम अप टू डेट, मैंने इतना बढ़िया काम और उसका इतना रोना धोना, ये बिल्कुल समझ में आने लायक चीज नहीं है,
चिंतन की धारा बदलना चाहिए परमात्मा, चिंतन की धारा बदलना चाहिए कि ये जो कुछ होने वाला है हो जाएगा, तो उसमें कुछ नहीं हो जाने वाला है। यदि तुमने आत्महत्या की तो हम तुम्हें फांसी पे चढ़ा देंगे। वाले मावा कैसे चढ़ाओगे? इसे चढ़ाओगे? हमें, हम तो चले जाएंगे। अब शरीर रहेगा तो चाहे तुम जलाओ, चाहे गाड़ो, चाहे फांसी पे चढ़ाओ, जो कुछ करना हो करते रहना, जो कुछ करना हो करते रहना। कितना खाना नहीं छोड़ सकते, ऐसे नहीं छोड़ सकते। तुम्हारी जेल में दुनिया में डंके की चोर गांधी जी ने खाना छोड़ा था, तुमने क्या किया? अन्ना अन्ना है ना, अन्ना को समझ गया ना, अपने अन्ना को नहीं। और अन्ना जी ने दिल्ली की रामलीला मैदान में डंके की चोट के मैं खाना नहीं खाऊंगा, कब तक आ मरण, उसके विरुद्ध कोई कानून क्यों नहीं है? आप नहीं तो वो है पक्की नहीं है आत्महत्या कि भैया स्वस्थ शरीर है और डंके की चोट दुनिया को कह करके सब हम छोड़ रहे थे, क्या करें? उनके हाथ में डोरते हो, हमें भी ऐसे करते हो, प्रधानमंत्री भी मनाने जाते हैं, हमें पकड़ के ले जाएंगे। ऐसा नहीं चल सकता। मेरे वस्तु का स्वरूप पर विचार तो करो, कितना महान जैन दर्शन है। एक दफा तुम सच्चे देव का निर्णय कर लो, और इतना सिर्फ इतना कुतना भीतरागी और सर्वागी। पहले भाई मेरे पास आए थे, कहने लगे एक और है तो देसी, मैंने कहा उसे भी रख लो, हमें कोई ऐसा नहीं। बोले आपने क्यों नहीं रखा? मैंने कहा हमें जरूरत नहीं थी। कि जरूरत क्या है? कि है जरूरत कि वे भगवान भीतरागी और सर्वज्ञ हैं, ये उनकी वाणी से सिद्ध होता है। वो हितोपदेश जो उनका है, जो हमें लिखित मौजूद है हमारे पास, जो उन्हें दिग्धनि ने दिया था, उससे हमें सिद्ध करते हैं कि ये भगवान सर्वज्ञ और भीतरागी हैं। इसलिए जरूरत है कौन से तीसरे किसकी? हितोपदेश की। उनने ये कहा मेरे से, सिद्ध भगवान को रखते ना, अरहंत को काय को रखते? अभी यही बैठे होंगे, सिद्ध भगवान को रखते तो झगड़ा खत्म हो जाता। तो क्या झगड़ा खत्म होना है? क्या झगड़ा खत्म होना है? कि वो सिद्ध भगवान के बिल्कुल और झंझट नहीं है ना, जो अरहंत के साथ है, समो शरण और दे और वो झंझट बहुत है। तो बोले सिद्ध भगवान की बात कर लेते, फिर तुमको कोई दिक्कत नहीं वो खड़ी होती। मैंने कहा नहीं, हम अरहंत को ही दीजिए, अरहंत हमारे सामने है, उन जैसा अपना आत्मा है, हम बना सिद्ध जैसा अपना आत्मा है, और सिद्ध को बताओ तो अपना भक्ति क्या बता। आप सुने, हमारे लिए बहुत परोक्ष है। अरहंत की वाणी से हमने जाना कि सिद्ध को ही है, हमने ये पहचाना है अनंत की वाणी को भरोसा करके, हमने नहीं देखे इसलिए अनंत की बात करी। तो फिर उनका वो चक्कर आएगा? क्यों आएगा चक्कर? वो भी इसीलिए कि उनकी वाणी हमारे पास मौजूद है, जिस पे हम गारंटी से कह सकते हैं कि जिसमें ये बात लिखी है वो गारंटी से सर्वज्ञ है। समझे ना? तो ये सर्वज्ञता और दूसरा कौन? वीतरागता। सिर्फ दो पॉइंट समझो। सच्चे देव को मैंने कल बोला था, आत्मा और परमात्मा, पियर और ससुराल। आत्मा अपना ससुराल है और परमात्मा पियर है। परमात्मा हमारे पिता है, पियर है, उनके पास जाओ चले रस्ते है ना, लेकिन घंटा दो घंटा, ऐसा नहीं दिन भर जमे रहो और जिंदगी भर जमे ही रहो, शादी काय को कहना। जिंदगी भर तो पति के साथ रहना पड़ेगा, तो ही इज्जत मिलेगी और सुख शांति मिलेगी। पिता के घर में इज्जत मिलेगी, न सुख शांति न
मिलेगी, अपने आत्मा में रहोगे तो इज्जत मिलेगी, सुख शांति मिलेगी, और परमात्मा के पीछे पड़े रहोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ क्यों नहीं मिलने वाला है, कुछ मिलेगा? अरे जो मिलेगा वो हमारे किसी काम का नहीं, पांच इंद्रियों के विषय मिलने में क्या करना है उनका। इसलिए कहते हैं तुम सिर्फ दो चीजें पहचानो, कौन कौन, सर्वज्ञता और वीतरागता। ये हरेक को समझा मैं जब ट्रेम्बल बनाए की बात आती है तो मैं एक ही बात कहता हूं कि मैं छोड़ दो ट्रेम्बल बनाए को एक तरह, लेकिन तुम सच्चे देव साधु की पूजा तो करने का नहीं करने, तो सच्चा देव का स्वरूप तो समझना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। और मैं नहीं बता रहा हूं जो शास्त्रों में लिखा है, वो देख लो सर्वज्ञ किसे कहते हैं, जो शास्त्र वीतराग सर्वज्ञ तंकर ऐसा भविदेव भी या पूर्ववास लिखते हैं ना, तो तुम बताओ सर्वज्ञ किसे कहते हैं, सबको जाने वो सर्वज्ञ, जिसे सब जाने वो सर्वज्ञ। इतनी क्लियर बात है और फिर भी उसे टल्ला लगाते, फैले भी लगाते। दो बातें समझो, ट्रेम्बल मानो चाहे नहीं मानो, लेकिन भगवान के ज्ञान में सब कुछ झलक आया है। अनंत काल पिछली बातें और अनंत काल तक की अगली बातें भी। मैं तो बार बार कहता हूं राकेश तुम जैसे लोगों से कि जो ये कहते हैं कि कर्म बंधेगा, फिर जब ऐसा होगा फिर ऐसा होगा, क्या होगा, कर्म धर्म को एक तरफ रखो ना, कर्म नहीं के लिए रख दो, प्रवीण को सौंप दो कर्म धर्म, अपने तो अनादि अनंत काल तक कई नक्की है ना, जगमार के कर्म को वैसा बंधना पड़ेगा। जहां हमारा जाना नक्की है वो कर्म को आगे वहां बंधना पड़ेगा क्या, समझे ना, हम कैसे कर कर्म धर्म की चिंता करें, हम मानने नहीं है, हमारा वो भविष्य वो सर्वज्ञ का भरोसा है। कर्मबद्ध पर्याय मानना इस सर्वज्ञ का भरोसा है, इस सर्वज्ञ भगवान को अर्घ चढ़ाना है, 1000 अर्घ चढ़ाना है, सर्वज्ञ भगवान को अर्घ चढ़ाना है। जितनी श्रद्धा हमारी सर्वज्ञता में जाएगी उतनी समझ लो कि वो अनंत भगवान को अर्घ गया है हमारा, सच्चा सच्ची श्रद्धा वही है।